नमस्कार दर्शकों, टाइम हो गया है आज के पांच के पंच का, जो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा है कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिकी में ओमिक्रॉन की तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की है। वही महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा है कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रेवल्स को लेकर नए नियम लागू किए गए। रिलायंस जियो अपना सबसे सस्ता डेटा प्लान लॉन्च करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पलट गया है। एक दिन पहले कंपनी ₹1 में 30 दिन वैलिडिटी के साथ 100 MB डेटा ऑफर कर रही थी, लेकिन कंपनी ने आज इस प्लान को महंगा कर दिया है। अब इस प्लान में सिर्फ एक दिन की वैलिडिटी के साथ 10 MB डाटा ही मिल रहा है, यानी 29 दिन की वैलिडिटी और 90 MB डेटा कम हो गया है। इसे पैक वैल्यू सेक्शन में अदर प्लान्स के तहत लिस्ट किया गया है। समाज सेवी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ वक्त गुजारा और अचानक हुई इस मुलाकात पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूर कर रही है। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहां के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादाग पैलगी कोरलो से सम्मानित किया गया है। पीएम को यह सम्मान दोनों देशों की दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया गया है। भूटान ने इस सम्मान के लिए अपने लोगों की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा है। भूटान ने पीएम मोदी को देश आने का न्योता भी दिया है। भारत ने कोरोना महामारी के दौरान पड़ोसी देश भूटान की मदद की है। इसके अलावा भारत कई मुद्दों पर भूटान को सहयोग देता रहा है। अगले 5 दिन में देश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा है कि देश में कुछ हिस्से में तापमान गिरना तय है। 17 से 21 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर की हालत बन सकते हैं। 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में और 19 से 21 दिसंबर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह स्थिति रहेगी। पांच की पंच में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।